मुंह क्या देख रहा है, बोल दे। अबे दे। अरे अंकल बोल तो दो। अंग्रेजी हमरा पता रहे, फिर अंग्रेजी में कचर पचर हुई। ऐसे बार हम जेट से आगे की पढ़ाई को क्या आयल बनी। ऐसे आपका बोल बी से बहुत बढ़िया। पुलिस! हे भगवान, फिर फांसी पे चढ़ी के पड़ी। चल चलता। सिद्धि विनायक भी घुमा देव, माउंट मेरी भी दिखा देव, और हाँ एलिफेंटा गुफा भी दिखा देव, महालक्ष्मी मंदिर भी दिखा देव, और लास्ट में चलल जाई जुहू चौपाटी पे। ओजे सब लोग मिलके ना किसी किसी खेले ला, एक ओजा से किसी भेजा ना जल्दी से मजा आ जाई। प्राइवेट बात ध्यान से नहीं सुनने का, कान में ठेपा लगा लेने का। चलो सब सुन लिया। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग पापा। अरे हाँ? आज फिर से चीटिंग? आज तो आप मुझे कॉलेज छोड़ने वाले थे ना। ओह आई एम सॉरी बेटा, वो क्या ना यूके से कुछ बिजनेसमैन आने वाले हैं, उनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मेरी अच्छी बेटी। गंदे पापा। मेरी प्यारी बेटी। झूठे पापा। मेरी सुंदर बेटी। टकले पापा। हाँ? दिलवा ले गईलू रानी बोतल में भर के, कहाँ चल गईलू हमके दीवाना करके। देसी का दिलवा ले गईलू रानी बोतल में। ए, मैडम जी आओ तारी, जल्दी से गेट खोलो, सलूट करो, और गेट खोल के जल्दी से सलूट तान दो। देसिका। अरे बाप रे, हम तो अपना मन जो के रानी के निगरानी में लागल बानी। Idiot? Nonsense? तुम यहाँ तक आ गए? तुम्हें यहाँ रखा कौन? गुंडा! Good morning, मैडम जी। क्या हुआ? इस बदतमीज को अभी के अभी यहाँ से निकालो, right now! लेकिन मैडम जी इसने किया क्या है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की और सबके सामने मेरी इंसल्ट की। ना 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 ना, वो हमार कौनो हम सकल रहा लोई। Hey, ये नया क्या पैतराबाजी सिखा रहे हो? साफ साफ खुल के बताओ। हाँ। गुंडू सर, हाँ? तू हमारा पे भरोसा नहीं कर रहा? अब गांव से लेके यहाँ तक तुहार पोछ पकड़ के नहीं मर दे, एक सेकंड का दिन तो से दूर ना भैली। हाँ। और तू हमारा भरोसा नहीं कर रहा? हाँ मैडम जी, ये एकदम सही कह रहा है, ये गांव से तो हमारा संगे संगे इधर आया है, एक को मिनट एनए सोने गया नहीं, एकदम सही कह रहा है, नौकरी कसम। तुम झूठ बोल रहे हो ना? ना माई की कसम खाला, भरोसा नहीं को माई की। माई कसम ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ भाई भरोसा, माई की कसम क्यों झूठा खा सके लगा? Shut up! अरे सोटे के कहतारी। चुप रहे खातिर कहतारी। सॉरी मैडम जी। जय हिंद। एक शक्ल के दो आदमी। जय भारत। बाय बाय। सही पूछा तारा का, ये तो बाड़ी अमर बन जोग रानी। आदमी बारे की पजामा, तारा मालूम बा की तू का कहता रे? अब तो नहीं हमारा से तमीजो में बतियाई हो। अच्छा, काहे की अब बंगला के होखे वाला हम मालिक होई बेटा। ये बेटा केकरा कहले हो? अच्छा छोड़, चल मोबाइल दा। ऊ काहे खातिर? ए मरदा मोबाइल दा। रुक रुक रुक, क्या करबे मोबाइल लेके? माई के बतावे के पड़ी ना कि ओकर पतो मिल गईल, बैलेंस बहुत कम बा। आ कौन बात ना, हम चला ले। हेलो। हाँ बाबूजी,
पालगी तनी माई के फोन दाम नी रहू बोला थई। हेलो कौन बोला तारा ने झगड़ू? अरे झगड़ू ना नी रहू बोला थई, माई के फोन दा बैलेंस सब खत्म हो जाई। बांग्लादेश? अरे बांग्लादेश ना बैलेंस सब खत्म हो जाई, माई के फोन दा। गाई के? अरे गाई के ना हो, माई के फोन दा। कहां से बोला तारा ने? अरे मुंह से बोला तानी, और कहां से बोला? अरे ट्रैक्टर में चलाता ना, यही से सुनात नहीं थे। हेले दिखा के बा। हेलो माई। हेलो ए बाबू, अरे सुनात नहीं थे बाबू, टावर में आवा, टावर में। टावर नहीं थे पकड़ा, एक मिनट टावर पकड़ा होता। अरे मैया के मैया, हमार फोन। अरे बा हाँ भाई, अब सुना था, अब सुना था। माई रे मिल गई लड़की हसीन, कैसे बताई हम बिया कम सीन। अच्छा हाँ, माई रे मिल गई लड़की हसीन, कैसे बताई हम बिया कम सीन। लागल मोहब्बत के आगे अब पूछो ना से ना पूछता। अरे फोटो भेजा पता हो के हो देखी। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार समझाता। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार समझाता। पतोहिया तर जई पीरे माई, सांधी के रोजे नरम नरम हाथ से दहिया दबाई। हम पुनरो बतानी ना रे चाची ना बड़ा बाते, चक्कर में कर ना पड़ी हम। झूठे के खाली देखावा त सपना, बाते ना कवनो मानी हम। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता। गलिया तो हर से नुरिया बाते, चंचल सोख जवानी। पाड़ा तप से पवन है पानी, अपना मन जोगर रानी। अरे बाबू बर्बाद कर के बतू, तोहरा छोकरी के चक्कर में लागता जाई नुकरी। गावे गावे सांझ सवेरे ढोवे के पानी टोकरी। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता। हे हाय, कैसा है भाई? अब तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो। एक मिनट, मैं तुम्हारा गुस्सा अभी ठंडा करता हूँ। ओ जूस वाले भैया, हाँ साहब, फटाफट सबके लिए जूस बनाओ फटाफट। जी सर, सब लोग अपने अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। ओके बेबी प्लीज सिट, कम ऑन गाइस। का जिला? हाँ बोला जवारी। केला कैसे बा? 40 रुपया। दो 10 रुपया के। ठीक बा ला। तुम्हारी कॉल भी चिल दे। ओ जूस वाले भैया, क्या हुआ? हाँ हाँ हो रहा है साहब। हे बरम बाबा, आज करा के ऐसा गिरेगा कि जिंदगी भर भी छोना ना छोड़ पावे। ए क्या भाई हो रहा है? हो रहा है, ऐसा करना जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। करी तो रहा है साहब। रॉकी सुनो, अच्छा मेरे में ना काला नमक डलवाना। ओके बेबी ओके। भैया और सुनो, मेरे में बर्फी का हो यार। ये भी यार, ठीक है सब डाल देता हूं साहब।
सभी दूर हटो, बेवकूफ कुमार देहाती। रोके सब ने किसके ऐसे मारे जस्ट किल हिम। डोंट वरी, अब देखता हूँ ये बेवकूफ कुमार यहाँ से बच के कैसे जाता है। ए, बिलायती बानर, हम इनका पे ना, ये हमारा पे गिर लियो और गलती से चुम्मा ले ले लिया। तो हमारा गांव में कोनो काम 11 हाली कोई जाला तब सु बोला। अभी आठे चुम्मा लेनी हो तल बिचवा में आ गिला हो। कोनो बात ना, अभी 3 चुम्मा और ले अ तोरा अंदर दम बनू तो रोक के दिखावा। इंदिरा हुआ हिंदुस्तानी के चैलेंज बा। अच्छा तो ये बात है, तो मैं भी देखता हूँ तू मेरी गर्लफ्रेंड का कैसे चुम्मा लेता है। योर चैलेंज एक्सेप्टेड। पक्का ना? हाँ बे पक्का। अरे रोकी ये क्या कर रहे हो? अरे डोंट वरी डार्लिंग, मैं हूं ना। डार्लिंग थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। तीन गो चुम्मा के बाटे सवाल, तू काहे बवाल करेला। अभी तो दू गो और बाकी बा। द्वार कहाँ गया? ओहो, लगता है मेरे डर से भाग गया। अरे बेवकूफ, उससे मेरा दूसरा चुम्मा भी लिया। डोंट वरी डार्लिंग, अब वो तुम्हारा तीसरा चुम्मा कभी नहीं ले पाएगा। ओके, लेट्स एंजॉय क्वाइट कार। पप्पी के तो है, छोड़ना नहीं सब इसको देखो तो तेरे को मैं ओके हो गया। चल हम राव सिंह को निगाह नहीं क्या? हां चल हम के बचा ले इंस्पेक्टर। चल इस देहाती गवार को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना गवार देहाती।
किरण 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 कांता भाई जल्दी करो, लेट हो रहा है। वही साहब जाले बगा। हाँ सुनिए बेटा बोलो। किरण बेहोश हो गई। व्हाट? अंकल किरण बेहोश हो गई? कैसे, कहाँ है वो? डॉक्टर अंकल किरण कैसी है अब? डॉक्टर कुछ पता चला क्या? बेटी जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे ये सब क्या हो रहा है, और मुझे स्ट्रेचर पे कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? बेटा बेटा सुनो बेटा, तुम्हें एडमिट होना है बेटा, जस्ट टेक रेस्ट, तुम्हें आराम की जरूरत है। किरण अंकल आराम की जरूरत मुझे नहीं आपको है, जस्ट मुझे उतारो। किरण पापा। किरण बेटी क्या हो गया तुम्हें? ए मकवाना क्या हो गया मेरी बेटी को? ए खन्ना अंकल एक मिनट, नथिंग पापा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसीलिए चक्कर आ गया। Now I'm quite well and कहिए तो डांस करके दिखाऊं? देखो अब चले। बाय अंकल। बाय। डरा दिया था तुमने मुझे। पापा आपको सिर्फ सोनिया ने कहा होगा। अपनी केयर करो बेटा, यू आर नॉट चाइल्ड नाउ। बट वाई पापा, आई एम फिट एंड फाइन, और मुझे खा के भैंस नहीं बनना। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। कांता भाई वही सर बोला, मैं एक महीने के लिए आइसलैंड जा रहा हूँ, वहाँ फोन लगे ना लगे डॉक्टर ने किरण को आराम करने के लिए कहा है, और इस एक महीने में किरण को घर से बाहर नहीं जाने देना है, समझी? और एक बात, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें काय भी चिंता कर रखा साहब, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी मैम सबका। बाय बेटा। बाय पापा। टेक केयर। यू टू। बाय अंकल। बाय बाय पापा। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी। बाय बेटा। बाय साहब। साहब साहब हर अब कुछ सर, हमके पता रे तू हमके छोड़वा ले बा। तू थोड़ा देर चुप रह सकेले, बात कर रहल बानी ना साहब। गांव से नया नया आया है ना साहब, यही से गलती कर दिया साहब, छोड़ दीजिए ना इसको साहब, सीधा आदमी है साहब। सीधा आदमी है? हाँ साहब। करो संग दोस्तों। हाँ साहब। बाप रे, पार्क में जाके लड़कियों को छेड़ता ये, और तू इसे सीधा साधा बता रहा है? अच्छा बगे जास्ता डोक जाओ उन को सा, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। नहीं साहब। चल निकल यहाँ से। सर न्यूज़ला 100 करोड़ चोरी की सीसीटीवी फुटेज दाखवत आहेत। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज तक की सबसे बड़ी रॉबरी अंधेरी वेस्ट के ICICI बैंक के चेस्ट ब्रांच में हुई थी, जिसे कि आप सीसीटीवी के फुटेज में देख रहे हैं। पहले तो मैं अपने दर्शकों को चेस्ट ब्रांच के बारे में बता दूं। ये वो ब्रांच है जहां पे अंधेरी वेस्ट जोन का ICICI बैंक का सारा पैसा रखा जाता है। ताजुब की बात तो ये है कि इतनी बड़ी सुरंग बनने की किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। पुलिस इन अज्ञात लुटेरों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही है, और ये पूरा मामला CID तक पहुँच चुका है। हमरा पता बा ई चोरी के कइले बा। रे ई का बकवास करत रहे? कुन्नू सर हम बकवास नहीं करत, हमरा पता बा कि पैसा के चोरैले बा और कहां धैले बा। हमरा कपार पे 7.5 ही चढ़ल रहे जे तेरा के हम गांव से लाके मुंबई में नौकरी दिलवा देनी। अरे तेरा चक्कर में हमरा अब नू तो नौकरी तो जेबे करी, फांसियों पे चढ़ा दिए ये लोग। अरे यार बोल देना इनका के कि तू झूठ बोलता रे। काहे बोली झूठ? हम कोनो पाकिस्तानी है का? पाकिस्तानी मर मर अकेले अकेले मर, आप फांसी पे चढ़। जय राम जी की, प्रणाम। हो साहब ये पगलवा को ना फांसी पे चढ़ा दीजिए, फांसी पे, हम जा रहे हैं। मर अकेले अकेले छत्ता पे चट्टी सूखने के लिए डाले थे, उतार लीजिएगा ना तो कोनो चोरा लेगा। बोल रहे तुझे 100 करोड़ के रॉबरी के बारे में क्या पता है? हम ना बताई। बोल। कोनो कीमत पे ना बताई। सर हा मामला CID वाल्यांचा आहे, आपला हस्तक्षेप करणं ठीक नाही। सर मुझे छोड़ दो साहब, साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं चढ़ाया साहब। सर कहाँ है वो? लॉकअप में है, आइए। ये रहा। ए, तू क्या जानता है उस 100 करोड़ के बक्से के बारे में? बक्सा वो तो हम बता दे, लेकिन हमारे को शर्त बा। तू हमारे सामने शर्त रखेगा? ए, नॉट नाउ। सॉरी सर। ए, सीधे सीधे बता चार चोर कौन है?
कि काय मरले हैं हम ना बताई नहीं बताएगा ना बताई नहीं बताएगा तेरा तो बाप भी बताएगा ए उठी में इन द टॉर्चर रूम टारज बारह लोग चाहे मोमबत्ती जोले हमार शरत ना मन बलोग तोले ना बताई जाओ बदराग बने दुर्गा माई बोल 2 करोड़ रॉबरी के बारे में क्या जानता है बता लव लाइफ मारो सर उस लड़के ने 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में कुछ बताया नॉट नो सर उसने लुटेरे के बारे में कोई जानकारी दी अभी नहीं सर अभी तक उनका मुंह क्यों नहीं खुलवा पाए पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो टूटने का नाम ही नहीं लेता है बट हमें भी उसे तोड़ने के बहुत से तरीके आते हैं That's enough. Thank you. Side please. Side please. Sir, please. Sir, please. नेहा, जैसा कि आपने सुना है, सीआईडी अधिकारी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस लड़के ने 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है रूबी उस लड़के के बारे में पता चला कि आखिर वो है कौन नेहा पुलिस सूत्रों से पता चला है कि उस लड़के का नाम नीरव कुमार यादव है जो गांव टडवा टप्पा सॉरी जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां अपने दोस्त के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है नीरव कुमार यादव कौन है रे या हलकटाला माहित कसं पडलं रे की 100 करोड़ आपण लोकांनी उडवलेत ए भाऊ अगर नीरव को सब कुछ पता ही छे तो पुलिस को क्यों नहीं बता रहा है भाई खूब शाना है भाई अपन लोगों से सौदा करना चाहता है अपन को इस हालत से बचने का है ना तो उस लौंडे को पुलिस कचड़े से उड़ाना पड़ेगा बरोबर बरोबर ओह नो नो इट्स अ मैटर ऑफ आवर कंपनीज रिपुटेशन कुछ भी करना पड़े कोई भी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़े कोई सौदा करना पड़े हमें 100 करोड़ को रिकवर करना जरूरी है अदरवाइज हमारी कंपनी को बैंक को इतने बड़े अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा डू यू अंडरस्टैंड यस सर किसी भी तरीके से उस नीरव कुमार यादव को मोल्ड करो ओके सर इतना बार गए कि ना बताए इतना बताए इंटरनेशनल इन्शुरन्स कंपनीतून काही लोक आले त्यांना तुम्हाला भेटायचे इन्शुरन्स वाले हाय सर हेलो वी आर फ्रॉम इंटरनेशनल इन्शुरन्स कंपनी ओके सर हमारी कंपनी ने उस बैंक का इंश्योरेंस किया था जिसमें 100 करोड़ की चोरी हुई अच्छा तो सर उस आदमी ने कुछ बताया अभी तक नहीं लेकिन बताएगा जरूर प्लीज सर इफ यू डोंट माइंड हम लोग ट्राई करें आपको क्या लगता है हमें झक मारे बेटे सर एक्चुअली यू शट अप या ये राजू गुलवाने गुन्हेगारांकडून गुन्हा कबूल करून घेणं म्हणजे काय पॉलिसी काढायचं काम नाहीये 4 पेपर पर साइन किए चेक लिए और काम खत्म सॉरी सर सर आपको हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं था प्लीज सर वन चांस अपना मतलब तो उसे राज उगलवाने से है ना सर प्लीज सर सर हमारे पास 16वीं विद्या है जिससे वो सारे राज उगल सकता है 16वीं विद्या ओए देख तुझसे कोई मिलने आया है अच्छा खुद से ना उगलवा पौला लोग तो ये लोग बुला लेला कितना बार कहें कि हम ना बताई तो ना बताई चाहे तू लोग आग पे चलावा चाहे बर्फ पे सुतावा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे अच्छा तो तू लोग का करे वाला बड़ा इनसे मिलिए ये मिस्टर पवार नमस्कार ये मिस परिणीता नमस्कार ये हमारे सुरेंद्र पांडे जी हेलो और मैं मेरा नाम मुखर्जी तू लोग तो ऐसा परिचय करा तारा जैसे लागत अमर ब्याह करावे आयल वाला लोग समझ लीजिए कि ऐसा ही है अच्छा बस एक बार वो 100 करोड़ के बक्सी के बारे में बता दो ना 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 पहले अमर शादी फिर बक्सा के आजादी ये चलेगी हम इनसे उनसे शादी ना करब फिर किससे हमार शादी तो हमार मनजोग रानी से हुई मनजोगे रानी अरे सर मतलब सपनों की रानी अरे बाबा हमें भी तो बता दो आपकी सपनों की रानी है कौन किरण खन्ना
नो नो नो, तुम्हारे 100 करोड़ की और तुम्हारी कंपनी की ऐसी की तैसी। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस गवार से शादी करूंगी? निकल जाओ वरना तुम्हारे सबके सर फोड़ दूंगी। आउट। मैडम सुने ना प्लीज, गेट आउट। नाई बाबा आती हुई लक्ष्मी को नानी करते। मैडम को पटवा दीजिए ना। मैडम ला पटवायचा असल तो रॉकी बाबा को पकड़ना पड़ेगा। रॉकी बाबा किरण डार्लिंग। हाय रॉकी। मैं तुम्हारे लिए एक मस्त प्लान लेके आया हूँ। ओह हॉलिडे प्लान? ओह नो डार्लिंग, एक दिन में 1 करोड़ कमाने का प्लान है। ओह रियली, क्या प्लान है? शादी का मैडम जी। फिर से आ गए तुम लोग इधर। चले जाओ यहाँ से। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। डार्लिंग प्लीज रिलैक्स, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। तुम मुझे कूल डाउन बोल रहे हो? हाँ तुम। मैडम प्लीज, गेट आउट। मैं कुछ भी नहीं करने वाली, समझे तुम लोग? सबके सब यहाँ से निकलो। किरण रॉकी बाबा, रॉकी बाबा, किरण, किरण प्लीज प्लीज लिसन टू मी। नो, तुम मुझे इस गवार बदतमीज से शादी करने के लिए बोल रहे हो? तुम, आई डोंट बिलीव दिस। किरण, किरण प्लीज। अरे शादी नहीं यार, फिल्मी ड्रामा। फिल्मी? यस बेबी, जैसे फिल्मों में हीरोइन फेरा लेती हैं, सिंदूर लगाती हैं, शादी हो गई और सीन ओवर, और सब लोग अपने अपने पैसे लेके अपने अपने घर। मैडम जी बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और इसके बदले हम आपको 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़? मैडम 1 करोड़! Oh my God! Darling, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? 1 करोड़ दे रहे हैं, 100 लाख, और बदले में करना क्या है? शादी का एक छोटा सा ड्रामा मैडम, प्लीज। हाँ डार्लिंग, एक छोटा सा ड्रामा, और उस ड्रामे से उस अनपढ़ जाहिल गवार देहाती से हमेशा के लिए छुटकारा। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। ये रिस्क नहीं मैडम, ये ड्रामा फिक्स है। बस एक बार ये ड्रामे वाली शादी हुई और जैसे ही उसने 100 करोड़ का राज बताया, फिर तो हम उसे रॉबरी के जाल में ऐसा फंसाएंगे कि बाहर की दुनिया उसे देखना नसीब ही नहीं होगा मैडम जी। डार्लिंग तुम सोच क्या रही हो? हाँ बोल दो ना, प्लीज से यस। मैडम रेडी? ओके डन। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब विवाह संपन्न हो गया, आज से आप लोग पति पत्नी हो गए। एक करे जा कहाँ जात बाड़ू, करे जा निकाल के। सर हमने आपकी शादी आपकी मंजू की रानी से करा दी, अब तो 100 करोड़ के बक्से के बारे में बताइए। अभी तो खाली 7 फेरा भइल बा, 8वां फेरा तो अभी बाकी बा। 8वां फेरा मतलब सुहागरात? अरे यार चार। क्यों सर पकड़ लिए? आप तो 16वीं विद्या में माहिर है ना, मनवाइए सुहागरात। हाँ मनवाइए।
I will kill you, bloody idiot nonsense. Please, madam. कान के नीचे बचाऊंगी अगर मेरे पीछे आए तो. No, अब क्या करें? 2 crore. No. 3 crore. No, not any cost. 5 crore. 5 crore. 5 crore. नहीं, वेरी बैड, नो स्वागत. अरे सर, सच्ची मुच्ची का नहीं, नाटक नाटक यो, यो, नाटक यो, चलेगा. किरण 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 किरण, प्लीज मेरी बात तो सुनो. क्या सुनूं? नो रियल सुहागरात, इट्स अ नाटक नाटक. सुहागरात कभी कोई नाटक होता है क्या? तुमको अगर इतनी खुशी है तो तुम जाके मनाओ ना सुहागरात, इडियट. डार्लिंग, प्लीज मेरी बात तो समझो. सुहागरात के बाद 5 crore मिलेंगे. 5 crore, प्लीज मान जानो डार्लिंग. यस मैम, 5 crore. आर यू रेडी? हम आपको प्रॉमिस करते हैं वो सब कुछ नहीं होगा. मैम मान जाइए ना, नाटक ही तो करना है. सर प्लीज आप भी कुछ बोलिए ना सर. यस मैम, हम उसे आपको टच भी नहीं करने देंगे. हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज वी हैव अ प्लान. ओके डन. यस यस. अरे सर, मुबारक हो, मैडम सुहागरात के लिए रेडी है. मैडम तैयार बाड़ी. मुबारक हो सर, सिपाही जी थाना खाली करवावा. और हाँ, फोन करके बता दे हमारे गांव जिला नगरी में कि निरहुआ के सुहागरात होता थाना के कोठरी में. आप हमारे लिए तो वीआईपी आदमी है. वीआईपी सुहागरात तो वीआईपी जगह ही होगी ना. मतलब 5-star होटल में. निरहुआ के सुहागरात 5-star होटल में. सर, आपने कभी सोचा था कि आपकी सुहागरात 5-star होटल में होगी? आपको कैसा लग रहा है कि आपकी सुहागरात 5-star होटल में मनाई जा रही है? सर, एक सवाल. बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है और ज्यादा जानकारी चाहिए तो पहले सुहागरात मना लेते हैं. जल्दी हटिए. हम अगरे हाथ से तो शराब शबाब. आरे रेडी बाड़ू हमारा पे होखे के निछावर. अरे वेट कर तारू बिछा के फलावर. हर वन टेक होके होखी कह खाली एक्शन.
पहला था बॉडी में लव के रिएक्शन, खुलल बा भाग आज मिलल बचांस, अब शुरू होके जा रहल बा देसी रोमांस। कंट्रोल नहीं हो रहा है, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, छोड़ी ना टावर देख पावर में आके गारंटी बा, छोड़ी ना टावर हो पावर में आके, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के। अभी मूड बना है ताजा, जरा वेट करो ओ राजा, अभी मूड बना है ताजा, खोलूंगी धीरे धीरे मैं हुस्न का दरवाजा, खोलूंगी धीरे धीरे हुस्न का दरवाजा। माने मनवले ना जोश मारे चंप हो, माने मनवले ना जोश मारे चंप हो, छौके जवनिया मचावे हड़कंप हो, छौके जवनिया मचावे हड़कंप हो, देह गंगा नवलू तू दहिया छुआ के, अरे बाप रे, देह गंगा नवलू तू दहिया छुआ के, चुम्मा चपकौआ चुम्मा चपकौआ दे द झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे द झुलनी हटा के। अपने पास है फुल नाइट, ना दिल का पेशेंस खोने दो, अभी अभी तो अभी अभी तो मिले हैं हम, थोड़ी और ट्यूनिंग होने दो, होने दो, होने दो, कंफ्यूजन लगा जज हमर बम के, मिलल बा लाइसेंस फायरिंग करे द तू जम के तनी आनो आनो आनो। ओ नोटी नोटी बालम है दिल में तेरा वेलकम, ओ नोटी नोटी बालम है दिल में तेरा वेलकम, जमेगी अपनी जोड़ी मैं ब्यूटीफुल तू हैंडसम, जमेगी अपनी जोड़ी मैं खाई पियल घर के देहाती हई पाठा, खाई पियल घर के देहाती हई पाठा, भरल बा देहिया में दूध घी माठा, भरल बा देहिया में दूध घी माठा, डंक द पारा पलंगियो हिलक आज पलंग तोड़ देवे के बा, डंक द पारा पलंगियो हिलक, चुम्मा चपकौआ कबो देखी बोले, चुम्मा चपकौआ दे द झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे द झुलनी उठा के। ए सोना अब जल्दी से आ जा ना, देख अब मोर्चा पे चढ़ा के धोखा मत दो, पहले उस 100 करोड़ के बारे में बताओ फिर उसके बाद। ए डार्ली, अब तुम हमके धर्म संकट में डाला था। इसमें धर्म संकट में आने वाली कौन सी बात है, अब मैं किरण बलराज खन्ना नहीं, किरण निरहु यादव हूँ, तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सर लगता है लाइन पे आ रहा है। और पति पत्नी के बीच में कोई राज राज नहीं रहता। हमरा के पति ने कह के का बताई, हम
कैसे समझाएं कि हमके खुदे नहीं के पता, हम खाली बियाह कर खातिर कुछ झूठ बोल रहे। क्या सोच रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जूसु करके आवाता नहीं। कहा था ना दारू मत पिलाओ उसे, क्या कह रहे थे, सोलहवीं विद्या है, अब मुतवाओ उसे, इडियट। सर इतना टाइम, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। सर बहुत देर हो गई, आ क्यों नहीं रहा है? नॉक द डोर। ओके सर। पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, निरवा डार्लिंग, डार्लिंग। सर कुछ आवाज नहीं आ रही, लगता है लुढ़क गया। हाँ? अरे अब क्या होगा? मू सर कहाँ गया वो? ए हल्का, तुझे कैसे मालूम 100 करोड़ अपुन लोग ने चुराया है? पहले ना मालूम लेकिन अब मालूम चल गए। ए गाड़ी थमाओ, याला कापून टाकून समुद्र फेकून देऊया। ए चल लवकर। काढायची पट्टी। लवकर बोल नाहीतर मार्शल। अरे समुंदर अरे शाण्या, अरे शाण्या बोलना। ए अरे के बारात जाइब सैया जी के साथ, बस दो चार दिन के बाद चढ़ी डाली में अजिया, धड़ के हमार जाए पड़ी ससुरार, छुट्टी घर द्वार रही होली में, अपना मर्जी के हम मालिक, हुकुम दोसर चलाई, मानी नाही मोर बलमुआ, सारी रात सताई, करी मोहे परेशान सही सोचा। तूफान जैसन जोश, समुंदर जैसन जवानी। बेटा हमरे नाम निरहुआ हिंदुस्तानी। मारी से आओ सर, पूरा होटल देख लिया, कहीं नहीं मिला वो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ढूंढो सब जगह। यस सर। कहाँ गया वो? हेलो कंट्रोल रूम में तुम मात्रे बोलते हो साहब। व्हाट मूव हटिए।
निकलो बाहर, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। चलो जल्दी, कोई होशियार नहीं। तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। साहेब, जेकरा के तू लोग ढूंढत बाड़ा, उ गाड़ी में ना कचरा पेटी में कचरा भी न था। पानी समुंदर के पानी। आपने 100 करोड़ की रॉबरी का पर्दाफाश किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने उन चोरों के बारे में पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? इतना टॉर्चर क्यों सहा आपने? अरे ये सब हमारा प्लानिंग था। वो क्या है कि चूहा को बिल में से निकालने के लिए बिल में पानी डालना पड़ता है। ये भोजपुरी आइडिया आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सर, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? कहाँ से? अरे इससे ज्यादा दिमाग तो हमारे गांव में भैंसिया को भी होता है। जी, आपकी 100 करोड़ की रॉबरी का मिशन तो पूरा हुआ, अब आपका अगला मिशन क्या है? मिशन सुहागरात। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तोहरा चक्कर में भाईल बा बहुते पिटाई, सुहागरात में आज बड़ी मजा आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ? हम यौवन चाहे तवल लगा सकता नहीं। अरे हम तो आज पति हैं। पति? कौन पति? वही देखा, आज बिया भाईल और आज पूछा दिया कौन पति, अभी बताओ। ताली खबरदार, जो दोबारा अपनी जुबान से ये बात निकाली, तुम तो मेरे पति तो क्या, मेरे नौकर बनने के भी काबिल नहीं हो। समझ में आ गेल मैडम कि तोहरा मन में हमरा खातिर काबा, लेकिन अब जोन हम करब तोहरो समझ में आ जाए। मिस किरण खन्ना, ठीक है ना भाई जी? हाँ। बंगलो नंबर 203, फार्म स्प्रिंग, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 104। निरुआ, पोस्ट नोटिस। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस किरण यादव। एक्सक्यूज मी, किरण यादव नहीं, किरण खन्ना हूँ। किरण खन्ना तो आप पहले थी, मेरे मुवक्किल से शादी करने के बाद आप किरण यादव हो गई है ना? लेकिन मैं शादी को शादी नहीं मानती। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। अपने पूरे होश हवास में अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद ये कह रही है कि ये शादी को मैं शादी नहीं मानती, जबकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है, ये मैरिज सर्टिफिकेट। क्या इस प्रमाण पत्र में किए गए हस्ताक्षर आपके नहीं हैं? यस सर, लेकिन मुझे फसाया गया है। किसने फसाया है आपको? मिस्टर मुखर्जी ने, जज साहब। मिस्टर मुखर्जी को कटघरे में बुलाया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये शादी तो इन्होंने अपनी मर्जी से की है, जिसके गवाह है इनके दोस्त मिस्टर रॉकी। हाँ तो बताइए मिस्टर रॉकी, क्या आप इनको जानते हैं? यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपने इनकी शादी मेरी मुवक्किल निरहुआ कुमार यादव से क्यों करवाई? मतलब आप नामर्द हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं मिस्टर रॉकी। जी साहब, इनको पता नहीं है मैं रोज सुबह 2 लहसुन खाता हूँ। इसीलिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मेरी मुवक्किल ये देसी मर्द निरहुआ कुमार यादव से करवाई, ये सच है या नहीं? जी साहब, मैंने इस वजह से थोड़े ना शादी करवाई। तो किस वजह से करवाई है? मिस्टर मुखर्जी के कहने पे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं किरण को 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी साहब, इसलिए मैंने शादी करवा दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं सर, मिस्टर रॉकी ने ही कहा था कि आप किरण को 1 करोड़ दोगे, आप मुझे भी 1 करोड़ दीजिए, मैं किरण को राजी करा दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। मिसेस किरण पे इंडियन पिनल कोड की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 420 का भी केस बनता है। अरे बाप रे बाप! ए का करता है? माय बाप! गांव के सीधा साधा लड़का के साथ इतना बड़ा छल! माय बाप, हम जिए करेंगे जात। माय बाप, हमके इच्छा मृत्यु को वरदान दे दी। हाँ भाई,
कहूंगे लगे जहर हो गया तो हमके दे दो भाई, हम पी के मर जाए। वकील साहब हमके किरासन तेल लिया के दे दो, हम जहर के मर जाए। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे ड्रामा ना अजय साहब, गोला चार पति के फरियाद। अब हम कौन मुंह लेके अपना गावे जाए? अब अगर हम गावे जाए तो अपन मेहरारू के लेके जाए, ना तो गांव में हमार लाश जाए। जज साहब, अब हमार जीवन और मरण सब आपके फैसला पे निर्भर है। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निरहू, ये अदालत है, आप अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखिए और अपने जगह पे जाके बैठिए। ठीक बा। ऑर्डर ऑर्डर, इस केस की सुनवाई आज पूरी हुई, अब इस केस का फैसला अदालत दिनांक 23 अप्रैल 2017 को सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पैसे के लालच में किरण खन्ना ने निरहू कुमार यादव से शादी की और पति पत्नी के संबंध को मजाक बनाया, जो कानून के साथ साथ समाज के लिए भी अपमानजनक है। इसलिए अदालत हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 के तहत किरण खन्ना को आदेश करती है कि 1 साल तक निरहू कुमार यादव के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें। 1 साल के बाद अगर ये चाहें तो अदालत में तलाकनामा दायर कर सकती हैं। और ये अदालत निरहू कुमार यादव को सचेत करती है कि किरण कुमार से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। एकदम एकदम नहीं करेंगे माई बाप, बस ही मत करें हमरे साथ में। और साथ ही साथ ये अदालत पुलिस प्रशासन को आदेश देती है कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को एवं राकेश कुमार उर्फ रॉकी को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, हैंड्स अप, हैंड्स अप। डार्लिंग, तुम किधर? अगर किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो इसे जान से मार दूंगा। रोके, छोड़ो मुझे। ओह माय गॉड, शट अप। गुड शॉट, गुड शॉट। चान, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ले जा। का करे जा, अब तो चला ही के पड़ी। चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। अरे बेटा, कितना दिन बाद तोरा के देखा थी बचवा। प्रणाम चाचा जी। कार कुनरवा, बढ़िया कैलीस की नलायकों के मुंबई में नौकरी लगा दे ली। ई के बेटा, तोहार बहु रानी। अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे बड़को, छटको कहाँ पड़ जाओ जल्दी सरे। हमारे पतो, बहु रानी आइल बड़ी। अरे भौजी, भाभी। अरे हम तो हर देवर है। Shut up and stop all this nonsense। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए आई हूँ। 1 साल रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। और खबरदार, अगर किसी ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। अब जी मैडम, मेरा कमरा किधर है? मैंने पूछा मेरे लिए कमरा किधर है? हाँ, ये घर में तो हर कौनो कमरा नहीं थे। ये घर हमारा। अब हमारा मतलब हमार ना, तो ठीक बा, हमारी हिस्सा बांट दो। का का कह ले है तू? बांट दी? ससुर जो ने खपरा मारा सब हिस्सा मांगल बुला जाएगा। इसे कैसे मारब जी? काहे के मारब? ये घर हमार, ये घर का मालकिन हम, ता हमार कमरा हमरे बेटा का कमरा। जा बेटा, जा जा हमरे कमरा में, जा जा जा। आई मैडम, जा कमरा में जा। हम हो जाते हैं।
ए तय कहां रे मैडम जी के लगे मैडम जी के लगे हां तू लगी अरे बाप रे ना 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 घर जाता नहीं अरे बाप रे बाप कहां फंस गई नी हमरा मना करे के बाद भी घर में घुसा दे लो अरे हमरा तो कौनो इज्जत नहीं थे और टका आउनो टका आउनो टका कौनो टका बे भाग यहां से चुप भाग यहां से भाग जी ए कहां यहां हां बोली जब वो बेशरम लड़की खुद के घर के बहू मानते नहीं के तकाउ ना हक से यहां रही हमार बंस पढ़ावा खातिर जी अरे एक साल के बाद जाए वाली बिया ओकरा से तू बंस पढ़ावे के उम्मीद लगावले बड़ू इतना बड़ हो गई नी इहो ने के पता की लड़का होके खातिर खाली 9 महीना चाहला सालों भर ना अरे जब वो निरहुआ के अपन पति मानते नहीं के तो 9 महीना आपका 9 साल में भी कुछ ना होई काहे ना होई जी और कैसे ना होई जरूर होई एक बात बताई जब हमार लड़का वो शहरी लड़की के मुंबई शहर से उठा के गांव में लिया सकेला तो अपने छोट 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 बच्चन कमाई काहे ना बना सकेला जरूर बनाई जी हमरा के अपना बेटा पर भरोसा बा देख ले भाग यहां से देख ले चाचा तोरे घर के आइल बा के हरे पता नहीं के मैं किरण का डैडी हूँ आई बैठी मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ मेरी बेटी कहाँ है पापा पापा किरण बेटा ये तूने क्या किया अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा कोई बात नहीं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ निरहुआ कहाँ है अरे ससुर जी प्रणाम शट अप मुझे ससुर जी नहीं साहब जी कहो राजा का मुकुट पहनने से कोई भिखारी राजा नहीं बन जाता और भिखारी की क्या औकात होती है मैं अच्छी तरह जानता हूं बोल मेरी बेटी को छोड़ने की क्या कीमत लोगे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ सौदे बाजी बाजारू सामान कोला साहेब किरण हमार पत्नी है तुम जानते भी हो 10 करोड़ की कीमत क्या होती है रउआ जानता नहीं है वो पत्नी की अहमियत का होला 10 करोड़ से तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा और इनका से हमार पूरा जीवन संवर जाए 10 करोड़ को ठुकराना तुम्हारी बदनसीबी है और इनके साथ रहल हमार खुश नसीबी है तुम ये भूल रहे हो कि किरण यहाँ जीवन भर के लिए नहीं सिर्फ 1 साल के लिए आई है रउआ ही भुलाता नहीं कि 1 साल में 365 दिन होला और जिंदगी 4 दिन की आपका बेटा बावला हो गया है बावला नफा नुकसान के बारे में इसे कुछ नहीं पता लेकिन आपने तो जिंदगी को गरीब से देखा है जरा समझाइए इसे साहेब नफा नुकसान तो व्यापार में देखल जाला परिवार में ना परिवार में तो मान मर्यादा और प्यार देखल जाला घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना तुम्हारी बेवकूफी है बेवकूफी हमरा घर के लक्ष्मी राउर दौलत ना हमार मैडम जी ऐसा है सिर्फ 1 साल 1 साल के बाद ना तुम्हारे पास ये दौलत होगी ना मैडम जी इसलिए मेरी बात मानो ये दौलत ले लो और किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके चैन से अपनी जिंदगी गुजारो हमरा पता बा कि 1 साल बाद ही हमरा के छोड़ के चल जी लेकिन आपके बता दी कि इनका गैला के बाद भी हमरा जीवन में इनकर जगह क्यों और ना ले पाई वैसे तो हमनी के संस्कार ना हा कि द्वारी पर आयल मेहमान के जाए के कहीं बाकी रवा एगो मेहमान की हैसियत से ना एगो खरीदार के हैसियत से आयल बानी यही से हमरा के ई कहे के पड़ता कि आपन ही कागज के टुकड़ा उठाई और उल्टे पांव निकल जाए आज तक मैं केवल पैसों की अहमियत जानता था लेकिन आप सबके विचार जानकर मुझे रिश्तों की अहमियत भी समझ में आ गई एक बाप होने के नाते मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी बेटी सही और सुरक्षित जगह पर है
बेटी, उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं यहां आऊं तो मुझसे बेटी के रूप में नहीं, इस घर की बहू के रूप में मिले। मेरी वजह से आप लोगों के दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूं। संधि जी, रवा कुछ भूलत आनी? गिरधारी भैया बाहर निकला है, गिरधारी भैया बाहर निकला। अरे टेंगड़ा, भाई बारात लेके यहाँ का है आइल बाड़े? हमें यह भाई भाई ना आइल बानी, हम तो ये पूछे आइल बानी कि जौन पतो विदा करा के लिया आइल बाड़ा, वो कौना कोठा से लेके आइल बाड़ा। है चाचा, ए टेंगड़ा, आपन गंदा जबान के लगाम दे, वो हमार पतो है। पतो? अरे दुद्दू को पतो तो बाड़ी घरवा में है भैया, कवन ने का डिजाइन का पतो लेके आइल बाड़ा तू है? न मांग में सेनूर, न लीलाद में टिकुली, न गला में मंगलसूत्र, न हाथ में चूड़ी, न गोड़ में छागल, न आंख में काजल है? ए पारस, हमार पतो चाहे जैसे रहे, अरे तोर कहे करे जा पता था? अरे कहे ना बात ही है भौजी, खानदान देख के नुभा, इज्जतिया तो हमरो नु जाई। ए चाचा, हाँ, जब बिता बिता बेच के दारू पी गईला तब ना खानदान की इज्जत जात रहे। हाय देखा, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे और लंगटा गांव भर कपड़ा बांटे। ए पंच लोग, बुलाई इनका पतो के और नीमन बाउर जवन फैसला हो रउए लोग करी, बुलाई। रे टेंगड़ा, हमार बेटी पतो है पर्दा में रह ले। अरे का भैया, दाई से पैर छुपा होता रहा है? अरे तोरा के बतावा, अगर पतोया आ गई ना तो सारा पोल खुल जाई, पूरा गांव के सामने बेइज्जती हो जाई। हाँ बाबू, अरे क्या मुंह तता रे, अरे बंद कर रे, अरे मुंह तता, अरे बंद कर, अरे बंद कर रे, कमरे मुझ में बंद कर, अरे मारा मेरा बंद कर रे। तू ही तो काले राला चाचा की निरहू भैया का ब्याह हो जाई तो हम मुंह पे मुतवा ले। और न तका जिया नंगा राजकुमार। अरे हमार औलाद ना बुझाता केकर बाड़े रे, बहुत कूटब। अरे हटा, अरे अपने औलाद बा, अपना घर में तो तुहार चूल्हा जलाओ के औकात नहीं के और दूसरा के घर में आग लगावाइल बड़ा। ए दीदी, ए भैया, अरे ई निर्लज के तरफ से हम माफी मांगा तानी रउआ लोगन से, इनका के माफ कर दी, माफ कर दी। चाचा का खत्म खेला, चाची निकाली तेला। और न तका बेटी, आज तू हमरा घर के लाज राख लेलू, तोहरा के बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, ये मेरा भी तो घर है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी कि मैं इस घर की लाज हमेशा बचा सकूं। जुग जुग जिया बेटी, सदा सुखी रहा। बात बड़ा
ढेर दिन पे कहलू, दिलावा के बात बड़ा ढेर दिन पे कहलू, बतावा जा बतावा जा बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू, बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू, बतावा जान।